हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि क्या जो भी आपकी डे टू डे लाइफ है, आप नेगेटिव थोड़े ज़्यादा रहते हैं क्या? हर दिन की जो स्ट्रगल है, जो भी जद्दोजहद होती है, जो भी हम लोग का वर्क होता है घर पे, ऑफिस में, जॉब पे, जो भी हम लोग अलग अलग सिचुएशन को फेस करते हैं, तो क्या आपके ऊपर बार बार नेगेटिविटी हावी हो जाती है? और क्या आप जानना चाहते हैं कि जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, जो कुछ कुछ सेंस होते हैं, मैं कुछ वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वो बहुत खुश रहते हैं और वाकई में बहुत खुश रहते हैं। जब भी उनसे मिलो वो खुश ही रहते हैं, उनका वे ऑफ लिविंग ही हैप्पी रहता है। तो ऐसी क्या सीक्रेट है जिससे वो खुश रहते हैं, और कैसे सेम सीक्रेट को आप यूज़ करके, जो कि बहुत ईजी है, आप भी धीरे धीरे उतनी हैप्पी लाइफ आप जीना शुरू कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक राठौर, ऑथर एंड न्यूरोसाइकोलॉजी एक्सपर्ट। आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो ये है कि हम लोग कैसे अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक खुश रखें एंड पॉजिटिव रखें, और इसमें हम लोग जो स्पिरिचुअलिटी है, जो आध्यात्म है, उसको कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, एक बात जो हमें सबसे पहले समझनी चाहिए वो ये है कि हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है, हम लोग कितने पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं, ये डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हमारे चारों तरफ किस तरह का वातावरण है, हमारा जो कनेक्शन है वो किस तरह के कनेक्शंस हैं, हम लोग की लाइफ में जो भी हम लोग का जो वर्क इन्वायरमेंट है, जो भी हमारे घर का इन्वायरमेंट है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो नेगेटिव है तो आप कितनी भी कोशिश कर लो आप बार बार दुखी होते रहोगे, अगर वो पॉजिटिव है तो वो आपको सपोर्ट करता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि क्या हम अपने आसपास के माहौल को बदल सकते हैं, क्या हम अपने सराउंडिंग को पॉजिटिव कर सकते हैं? इसका आंसर है यस, हम कर सकते हैं। आपके ऊपर किसी भी तरह की नेगेटिविटी हावी ना हो, उसका ये सोल्यूशन है कि आप अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से जोड़ के रखें, अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी रखें। और हम लोग की जो डे टू डे लाइफ होती है उसमें जो सबसे हाईएस्ट सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी होती है वो होती है स्पिरिचुअल एनर्जी। तो अगर हम लोग किसी भी तरीके से अपनी आर्ट ऑफ लिविंग ऐसी बना लें कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय तक स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्ट रहें, तो हमारी जो पॉजिटिविटी का लेवल है वो बहुत हाई होता है। यही सीक्रेट है कि कुछ सेंट्स ये कर पाते हैं, वो ज़्यादातर समय या हमेशा या ज़्यादातर समय अपने आप को कनेक्टेड रखते हैं स्पिरिचुअल एनर्जी से, स्पिरिचुअल रिसोर्स से, और आप भी उससे अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। सो अपने आप को हम लोग पॉजिटिव एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, उससे कनेक्ट करके हम लोग अपने आप को, अपनी डे टू डे लाइफ को पॉजिटिव कर सकते हैं। क्योंकि जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, जो भी स्पिरिचुअल एनर्जी, गॉड, यूनिवर्स, कोई भी वर्ड आप यूज़ कर लीजिए, उसको डिफाइन करने के लिए तीन वर्ड यूज़ किया गया है। उसका जो स्वरूप है उसको बोला गया है कि ये सत, चित एंड आनंद है। सत का मतलब ये सत्य है, हमेशा से है। दूसरा, चित का मतलब ये चैतन्य स्वरूप है। चैतन्य का मतलब कि जैसे आप चैतन्य हैं, जैसे हम लोग कॉन्शियस फॉर्म में हैं, हम लोग चैतन्य हैं, हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, उसी तरीके से वो जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो गॉड है, वो भी रिस्पॉन्सिव है, वो भी रिस्पॉन्ड करता है। एंड थर्ड, जो उसका जो नेचर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि वो आनंद स्वरूप है। तो जब आप उससे कनेक्ट करते हैं तो आप में सेम चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं, सेम जो आप हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, जो लास्टिंग प्लेजर होता है, एक होती है हैप्पीनेस, वो टेम्पोररी होती है, जो लास्टिंग हैप्पीनेस होती है उसको हम लोग आनंद बोलते हैं। तो उससे कनेक्ट करके आप भी अपनी लाइफ को उस फ्रिक्वेंसी पर ला सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि वो जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो हाईएस्ट पॉजिटिव एनर्जी है, उससे कैसे कनेक्ट करें और कैसे उसके साथ ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड करें कि हम ज़्यादातर समय या हो सके तो हमेशा उसी एनर्जी फील्ड में रहें, उसी ऑरा में रहें। थ्री स्टेप का प्रोसेस है जो मैं आपको शेयर करता हूँ। स्टेप नंबर वन, आप ना तेरी मर्जी की प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, इसकी चैंटिंग करना शुरू कीजिए, इसको समझना की कोशिश कीजिए। इसका जो बेसिक इंटेंट है वो ये है कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो रहा है, चाहे वो बुरा हो रहा है, चाहे वो आपको हैप्पीनेस देने वाली कोई चीज़ है, चाहे आपको सैडनेस देती है, आप हर चीज़ को ऐसे देखिए कि तेरी मर्जी, कि जो भी हो रहा है ना तू कर रहा है, उसको अपनी लाइफ का ना सेंटर बनाने की कोशिश कीजिए। एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। हर चीज़ में ये देखने की कोशिश कीजिए कि अच्छा हुआ तो अच्छा, उसने अच्छा किया, बुरा हुआ उसने बुरा किया। तो यहाँ पे जो तेरी मर्जी है, जो तू है, जो गॉड है, वो इतना ब्यूटीफुल है कि अगर वो आपको दुख भी देगा ना तो आपको तकलीफ नहीं होगी। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, उससे आप थोड़ा सा इसको डीपली समझ पाओगे। एक राजा थे और उनका एक सेवक था।
और वो जो राजा थे उस सेवक को बहुत पसंद करते थे, तो हमेशा उसे अपने साथ रखते थे। तो एक बार वो लोग जंगल में थे, तो जंगल में थे उनको दोनों को भूख लगी, तो वो लोग कुछ खाने को ढूंढ रहे थे और कोई ऐसा पेड़ नहीं दिख रहा था जिस पे ऐसी कोई चीज़ हो जो वो मतलब जो भी कोई नॉन फल हो। तो एक पेड़ दिखा उस पे, उसमें कोई फल था लेकिन वो फल उन्होंने पहले कभी देखा नहीं था। तो उनका जो सेवक था उसने वो फल लिया, उसके चार हिस्से किए, तो वो जो राजा थे बिल्कुल फ्रेंड की तरह ट्रीट करते थे। वो बोले कि ठीक है दो हिस्सा तुम ले लो, दो हिस्सा मैं मुझे दे दो। तो बोला ठीक है, तो उसने पहले दो हिस्से खा लिए सेवक ने, फिर उसने बोला कि एक और हिस्सा था, वो बोला कि बहुत बहुत स्वादिष्ट है महाराज, ये भी मैं खा लेता हूँ। तो वो बोले कि ठीक है, मतलब वो बोले कि ठीक है यार चलो खा लो तुम। फिर वो जो चौथा टुकड़ा था वो भी वो खाने की कोशिश किया, तो राजा ने बोला कि यार ये तो गड़बड़ है, मतलब भूख तो मुझे भी लगी है तो मुझे भी खाने दो। तो वो बोले नहीं 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 महाराज, ये ना ये भी मैं खाऊंगा मतलब। तो जो राजा थे उन वो भी कह कह रहे यार ये क्या बात है, उनके अंदर भी क्यूरियोसिटी आई, वो कह नहीं ये तो मैं ही खाऊंगा। तो ज़बरदस्ती उनसे छीन के राजा ने वो फल खा लिया। तो जब राजा ने वो फल खाया तो बड़ा कड़वा था, तो वो बोले कि यार ये सेवक को बोले कि यार इतना कड़वा है और तुम इसे खाए जा रहे हो। तो बोला कि मालिक आपने मुझे इतने मीठे मीठे फल खिलाए हैं, तो अगर आपके हाथ या आपके बहाने मैं कड़वा फल भी खा लूँ ना तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो दिस इज़ द इंटेंट ऑफ तेरी मर्जी। इस बात को आप समझ पाए, ये बहुत ये अगर आप इसको समझ पाएंगे तो ये आपकी अचीवमेंट है एक तरीके से। सो स्टेप नंबर वन, तेरी मर्जी की प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा हो रहा है तो भी तेरी मर्जी, बुरा हो रहा है तो भी तेरी मर्जी, इसको समझिए और इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। नंबर टू, आप ना इन्वायरमेंट ढूंढिए, आप ऐसे लोग ढूंढिए जो वाकई में स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट लेते हैं, जो वाकई में जिनको जो अध्यात्म की बातें गॉड की बातें वाकई में बहुत पसंद है। वो कुछ सेंट्स भी हो सकते हैं, कुछ स्पिरिचुअल टीचर्स भी हो सकते हैं, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो अध्यात्म का, धर्म का, भगवान की बातों का वो यूज़ ऐसे करते हैं जैसे मछली को फंसाने के लिए कांटे में आटा लगाते हैं, उनकी वो जो धर्म या अध्यात्म की बातें होती है बस आटा की तरह होती हैं, उनको किसी को फंसाना है। तो आपको ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि कौन कांटे में आटा मिला के दे रहा है और कौन शुद्ध आटे वाला है। और अगर आप जेन्युइन है तो आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि कौन जेन्युइन है कौन जेन्युइन नहीं है। तो ऐसे लोगों को ढूंढिए। जैसे मेरे एक फ्रेंड हैं, वो मेडिटेशन फील्ड से ही हैं, तो मैं उनके साथ उनकी कंपनी को बहुत इन्जॉय करता था, क्योंकि हम लोग ठीक है हम लोग थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी भी बात करते थे तो मज़ा आता था। उसको हम लोग बोलते हैं स्पिरिचुअल प्लेजर, इससे बड़ा कोई प्लेजर नहीं होता है। फिर थोड़े टाइम बाद उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आया, उनके ब्रेन में कुछ चेंजेस आए, वो कुछ और टॉपिक की बात करते थे। मैं कहता था आप मेरे से ना पहले आप इस बारे में बात करते थे, अब आप किसी और बारे में बात करते हो, तो ये थोड़ा ठीक नहीं है। सो ऐसे लोग को आप ढूंढिए, ये जितना आपको इन्वायरमेंट मिलेगा ये आपको उस सोर्स से कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। नंबर थ्री, जो बहुत ईजी है, आप भजन सुनिए। और जब भजन सुनिए तो आप ना उस एलिमेंट से जुड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो भी एक तरीके की एनर्जी फील्ड होती है। और वही भजन सुनिए जो आपको ना थ्रिल करे, जो आपको ना एक एक तरीके से एक इलेट करे, आपको एक एक अलग लेवल पे ले जाए। तो ये तीन स्टेप है जो कि आपको उस एनर्जी से कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। और अगर आप उससे कनेक्ट कर पाए तो नेगेटिविटी आपके ऊपर ना के बराबर डोमिनेट करेगी, आप भी हमेशा खुश रहना शुरू करोगे। सो एक टेक्निक जो हम लोग यूज़ करते हैं, आप इसको बेस्ट यूज़ कर पाएँ, इसके लिए जो भी आपने सीखा उसको नीचे चैट बॉक्स में आप कमेंट में आप उसको मेंशन कर दीजिए, वो आपको भी हेल्प करेगा और दूसरों को भी हेल्प करेगा। थैंक यू।